नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्ना न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। वायु प्रदूषण से बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराएगी। दिल्ली सरकार के साथ हुई बैठक के बाद आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान सौंप दिया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दे सकती है। उम्मीद है कि 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। बुधवार को दिल्ली सरकार की एक टीम ने कनॉट प्लेस में बंद पड़े एंटी स्मोक टावर का निरीक्षण किया। टावर को प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देशों के अनुसार बंद कर दिया गया था। सरकार ने इसे चालू करने व अध्ययन को जारी रखने का फैसला किया है। टावर के चालू होने के बाद इलाके में प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकेगी। राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता प्रकट करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्मोक टावर को चालू करने का निर्देश जारी किया था। दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले ऐप बेस्ड टैक्सी पर बैन लगाने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। गुरुवार की सुबह फिर से दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। देश के कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र को दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू किए जाने के आसार हैं। सामान्य तौर पर यह सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और 25 दिसंबर से ठीक पहले खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार सत्र को चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के ठीक बाद 5 दिसंबर को शुरू किया जा सकता है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित कराए जाने की संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस पूर्णकालिक सत्र के 23 दिसंबर तक चलने की खबर है। दिवाली के अवसर पर दिल्ली मेट्रो द्वारा ट्रेन के समय में कुछ बदलाव किया गया है। 12 नवंबर यानी रविवार को दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेनें अपनी सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे रवाना होगी। वहीं सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे से और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सुबह 4:45 बजे से शुरू की जाएगी, जबकि एयरपोर्ट लाइनों पर आखिरी ट्रेन का समय और अन्य लाइनों का समय एक ही रहेगा। हर साल देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली रहने वाले चिकित्सा शिक्षा सीटों को लेकर जल्दी समाधान मिलने वाला है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने रिक्त सीटों का इस्तेमाल करने और छात्रों को प्रवेश के समय सहजता के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को दिल्ली के एनएमसी मुख्यालय में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। जल्द ही शैक्षणिक सत्र के लिए काउंसलिंग में बदलाव का आदेश जारी किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक बीमारी को लेकर चिंता जताई है। संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में दुनिया भर में 75 लाख लोगों में तपेदिक यानी टीबी की बीमारी होने का पता चला है। हालांकि पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में इस बीमारी में लगभग 60% गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2023 के वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2022 में अनुमानित 1.6 करोड़ लोग तपेदिक से बीमार हुए थे, जो 2021 के आंकड़ों से 3 लाख अधिक था। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन आरोग्य के लिए धन्वंतरी और धन और संपन्नता के लिए कुबेर देव की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। इंग्लैंड ने बुधवार को आईसीसी विश्व कप के 40वें मुकाबले में नीदरलैंड को 340 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं नीदरलैंड की टीम 37 ओवर और 2 गेंदे खेलकर 179 रनों पर ही सिमट गई, जबकि मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 108 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। साथ ही डेविड मलान और डेविड विली ने भी अर्धशतक जड़े। विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अब ट्रेलर में विकी ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। विकी कौशल ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार बखूबी निभाया है। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। यूजर्स एक्टर्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। फिल्म में फातिमा सना शेख भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल में दिखेंगी। सानिया मल्होत्रा ने विकी की पत्नी सिल्ली की भूमिका निभाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्ना न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।